हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ईद उल अजहा के मुबारक दिन चल रहे हैं, तो हम आपके लिए इस मौके पर लेकर आए हैं मटन पाए की रेसिपी। चलिए तो शुरू करते हैं। मटन के पाए बनाने के लिए मैंने ये 4 पाए बकरे के लिए हैं और ये मैंने अच्छे से 3 मर्तबा धोकर के मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है। मटन के पाए घुटनों के दर्द के लिए बेहद मुफीद हैं और ये घुटनों के दर्द में इनका सूप पिया जाता है और सालन भी बनता है। आज हम इनका सालन बनाएंगे। चलिए तो एक लेते हैं हम कुकर और कुकर में अपने मटन के पाए ऐड कर लेंगे और इसमें 4 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। स्पून डालेंगे हम इसमें नमक और इन्हें कवर करेंगे और गैस पर रखेंगे। 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 4 सीटी हम लो फ्लेम पे लगाएंगे और ठंडा होने के बाद जब आपको दिखाएंगे। ग्रेवी के लिए 2 प्याज ली है मैंने, 1 टमाटर है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और ये लहसुन है। इस लहसुन को छील करके हम इनकी कलियां निकाल लेंगे और 2 लाल मिर्च है, इनकी सबकी हम एक बारी पेस्ट बना लेंगे। मटन को मैंने अपने पानी से अलग कर लिया है और ये हमारे पाए की यखनी है, हम एक साइड रखते हैं। और ये मैंने प्याज लहसुन अदरक सबका पेस्ट बना लिया है और एक टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, खड़े मसालों में 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 पीपली और 4-5 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 2-3 पत्ते तेजपात के और आधी स्पून है हमारा जीरा। गैस पे एक हमने बर्तन चढ़ा लिया है और गैस को करेंगे अपने ऑन और डालेंगे हम अपना रिफाइंड, आप रिफाइंड में तेल में घी में जो भी आपके पास हो उसी में बना सकते हैं आप। 2 स्पून डालेंगे हम रिफाइंड और रिफाइंड को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। इलायची जाएगी, एक फूल जाएगा, ये लौंग जाएगी, ये काली मिर्च और ये जीरा। कुछ देर के लिए इसे भुनेंगे। अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसे ऐड कर देंगे और इसे भुनेंगे। प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे 2 मिनट के लिए, तो हमारी प्याज का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। ताजे मसाले जब हम इस तरह से पीस करके प्याज अदरक लहसुन सब डालते हैं ना, इसका अपना अलग टेस्ट होता है, अलग बहुत अच्छा बहुत मजेदार बनता है हमारा मसाला। प्याज हमारे अच्छे से भुन रही है, प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है, प्याज का हमारा रंग भी चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे टमाटर प्यूरी और इसे भी भुनेंगे। 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे, फिर डालेंगे हम नमक, चलाएंगे टमाटर को अपने अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी हमारे भुन चुके हैं, अब डालेंगे हम इसमें आधी स्पून हल्दी और 1 स्पून डालेंगे लाल मिर्च और 2 स्पून डालेंगे सूखे धनिया का पाउडर, इसे भी अच्छे से भुनेंगे। दो मिनट तक इसे अच्छे से भुने के पकाएंगे हम। उन्हें सूँ सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये कश्मीरी मिर्च आधी स्पून और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है और अच्छा से हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम आधी बाउल हमारी दही है, दही भी ऐड कर देंगे और इसे चलाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब मसाला हमारा भुन चुका है, हम अपना मटन ऐड कर देंगे इसमें। और कुछ देर पकाइए। मटन को अपने हम मसाले में अच्छे से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। मटन भी हमारा अच्छे से मसाले में पक चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपनी मटन की यखनी। आपको जितनी पतली गाढ़ी
ग्रेवी करनी हो तो आप इसी स्टेज पे पानी डाल दीजिए। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। और हाई फ्लेम पे हम अपने मटन पाए पकाएंगे कि 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मटन पाए में हमारे उबाल आ चुका है, अब इसमें हम थोड़ी काली मिर्च और 1 स्पून है भुना हुआ जीरा और 1/2 स्पून है गरम मसाला, इसमें ऐड कर देंगे, चलाएंगे। और 2-3 हरी मिर्च काट करके इस तरह से डाल देंगे। मटन पाए की रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लगे, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इतने अच्छे हमारे पाए बनके तैयार हुए हैं, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे, 2 मिनट के बाद दिखाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हम मटन पाया हमारा परफेक्ट बनके अब तैयार है। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और इसे चलाएंगे। इतने सॉफ्ट, इतने मजेदार, इतने अच्छे हमारे बनके तैयार हुए हैं मटन पाया। मटन पाए हमारे बिल्कुल अब रेडी हैं। अब हम आपको एक प्लेट में करके सर्व करने के लिए दिखाएंगे। सर्व करते हैं हम, लीजिए ये हमारे मटन पाए अब बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हैं सर्व करने के लिए। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।